Welcome in this class. So let's start with our today's lesson. Yes. So last class में हम लोग solitary conduction को complete कर चुके थे कि solitary conduction क्या होता है. हमने देखा था कि जो हमारे myelinated हम लोग कह सकते हैं neuronal cells होती है उनके अंदर myelin sheath के बीच में यहाँ पे node of Ranvier present होता है जिसके through यहाँ पे हम लोग electrical impulses की jumping देखते हैं कि जो आपकी electrical impulses है वो jump करती है node of Ranvier के through जो actual में जो आपका electrical impulses के transmission को fast process बना देता है. ठीक है, वो सारी process हमने देखे थे कि solitary conduction आपका किस तरीके से complete होता है. अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने ये समझा कि अलोंग द न्यूरोनल सेल जो आपका एक्सटर्नल सेल्स है उसके थ्रू किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, किसका आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कैसे जनरेट होती है. अभी हम लोग ये समझते हैं कि इस एक्शन पोटेंशियल का इनहिबिशन कैसे होता है. बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेसन में ये बताया था कि आपका जो न्यूरोनल सेल्स होती है उनके पास एक कैपेबिलिटी है, फास्ट प्रोसेस तो दिखाती है, एग्जैक्ट रिस्पॉन्स तो शो करती है, बट साइड बाय साइड उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर ऐसे सेगमेंट के अंदर प्रोसेस चलता है. एक सेगमेंट के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा एक्सोन है, यहाँ से अगर वो सिग्नल रिसीव करता है और जैसे ही आपका सिग्नल यहाँ से ट्रिगर होता है एक्सोन ट्रिगर हिलॉक रीजन से, तो हम लोग देखते हैं कि एक एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, या कहें कि जो आयंस है उनके अंदर चेंज आता है, उनकी पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे एक एक सेगमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल करती है. राइट, ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट लेसन में कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, तो यहां से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे वापस जो लास्ट सेगमेंट है उसके अंदर रीपोलराइजेशन हो रहा है ना. इस सेगमेंट के अंदर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर उसके बाद इस सेगमेंट में होगा, फिर इस सेगमेंट में होगा, लेकिन साइड बाय साइड यहाँ पे एक वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी ट्रेवल करती है अलोंग द एक्सोनल रीजन. ठीक है, अब ये जो रीपोलराइजेशन हो रहा है या कहें कि डीपोलराइजेशन का जो इनहिबिशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे हमने देखा था ना एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो रहा है, एक ग्राफ के थ्रू हमने वो सारी प्रोसेस समझी थी, तो उसका इनहिबिशन कौन कौन से फैक्टर आपके कराते हैं, या हम ये कह आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है -70 mV का उसको मेंटेन करने के लिए कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपकी क्लोराइड आयन चैनल्स है ना उनकी ओपनिंग हो जाती है. हमें पता है क्लोराइड आयन चैनल्स जो है वो नेगेटिविटी लेके आएगी, है ना. अब यहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल्स जैसे ही ओपन होती है आपका क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, है ना. और ये क्लोराइड आयन चैनल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पोस्टसिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन. ठीक है, इनकी ओपनिंग से क्लोराइड आयन का यहाँ पे इन्फ्लक्स होने लगेगा, तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर रहा है. एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर रहा है, या हम ये कहें कि -70 mV की जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो तो आपकी अटेन कर ही ली थी सेल ने जब उसका रीपोलराइजेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि जब इनिशियल स्टेज में जब आपकी सेल पोलराइज स्टेट थी उस टाइम पे जो माहौल था वो किस तरीके का माहौल था कि मोर नेगेटिव टुवर्ड द इनसाइड और आपको मोर पॉजिटिव टुवर्ड द आउटसाइड. आउटर साइड में आपको सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रही थी, इनर साइड में आपको पोटासियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिल रही थी. ठीक है, लेकिन जब आपका डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होता है तो आप देखते हो कि यहाँ पे आयन का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रिवर्स हो जाता है. रिवर्स कैसे हो जाता है, मोर पॉजिटिव आयन इन द इनसाइड एनवायरमेंट एंड मोर पोटेशियम आयन टुवर्ड द आउटसाइड एनवायरमेंट. लेकिन हमें वापस से सेल के एक्साइटेशन के उसी पोलारिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो जैसे ही आपका सिग्नल पोस्टसिनेप्टिक रीजन पर पहुंचता है क्लोराइड आयन चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है, और क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग से यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो माहौल था यानी कि पोटेशियम आयन का अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना और सोडियम आयन का बाहर, उसको अटेन करने के लिए यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का इनहिबिशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन
आउट ऑफ द न्यूरॉन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक सोडियम पोटाशियम पंप है जो काम करता है ना, ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या काम करता है कि तीन सोडियम आयन को बाहर फेंकता है और दो पोटाशियम आयन को अंदर फेंकता है, राइट। ठीक है, तो ये भी एक आपकी नेगेटिविटी को मतलब वापस पोलैरिटी को रिवर्स करने में भी एक महत्वपूर्ण सॉरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सो इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन आउट ऑफ द न्यूरॉन, तो यहाँ पे आप तो क्या देखते हो आप इंक्रीज नेगेटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन, और ये भी आपका एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करेगा। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर एंजाइम्स दैट इनहिबिट सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ इनहिबिटर साइनेप्टिक रिसेप्टर और डिक्रीज द नंबर ऑफ एक्साइटेड रिसेप्टर अगेन इनहिबिट द एक्शन पोटेंशियल, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसमीटर आपकी न्यूरोनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने जाना जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, जो न्यूरोनल सेल्स होती हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को रिलीज करती है और इन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिक इंपल्सिस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसमीटर होते हैं। अब जनरली हम जब भी ट्रांसमीटर की बात आती है तो हम एक ही नाम सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक ही नाम स्ट्राइक करता है, दैट इज एसिटाइल कोली। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रांसमीटर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम कैटेगरी की बात करें जो बहुत ही रैपिडली काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपका एसिटाइल कोलीन आता है जो अगेन आपका इनहिबिटरी और एक्साइटरी दोनों टाइप का फंक्शन शो कर सकता है। ठीक है, अमाइन्स की अगर हम बात करते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, उसमें आप देखते हो नोरएपिनेफ्रिन भी आपकी न्यूरोनल सेल सिक्रीट करती है, एपिनेफ्रिन भी सिक्रीट किया जाता है, डोपामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, ये आपके स्पेसिफिक टाइप के अमाइन्स है जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। ये किस तरीके का फंक्शन शो करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के अंदर किस सिग्नल के रिस्पॉन्स में सिक्रीट किए जा रहे हैं और किस फंक्शन को इंड्यूस करने के लिए। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एक्साइटरी फंक्शन शो करेंगे या फिर ये इनहिबिटरी फंक्शन शो करेंगे, राइट। क्लास थर्ड अगर बात करें अमाइनो एसिड की कैटेगरी में, तो आप देखते हो गाबा रिसेप्टर्स। गाबा रिसेप्टर जिसे हम गाबा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं, गाबा रिसेप्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके इनहिबिटरी फंक्शन को ही शो करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर ग्लाइसिन भी हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। वैसे ग्लाइसिन हमारा एक अमीनो एसिड, लेकिन ये एक इनहिबिटरी, सॉरी नॉट इनहिबिटरी, ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ग्लाइसिन आपके और भी अमाइनो एसिड है, जस्ट लाइक ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, जो अगेन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो न्यूरोनल सेल्स आपकी सिक्रीट करती हैं। और भी यहाँ पे कुछ ही कैटेगरी है, जैसे कि कुछ हमारे स्लो एक्टिंग ट्रांसमीटर है और वो न्यूरोपेप्टाइड, स्पेसिफिक टाइप के न्यूरोपेप्टाइड है जो कि आपकी न्यूरोनल सेल की थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस जिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, समटाइम वो भी हमारे किसकी तरह काम करते हैं, ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो एंडोक्राइन सिस्टम, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वहां देखते हो कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो उसकी तरह ही काम करता है, यानी कि उसका जो फंक्शनिंग होता है ये बिल्कुल आपकी न्यूरोनल सेल की तरह ही फंक्शन करता है, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को ही सिक्रेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो जो आपकी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हॉर्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, सेकेंड वन इज लुटेनाइजिंग हॉर्मोन, नॉट लुटेनाइजिंग सॉरी लुटेलाइजिंग रिलीजिंग हॉर्मोन, सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन जो कि आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है। आप एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ोगे तो आप इन सभी के रोल पढ़ोगे कि कैसे ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर पिट्यूटरी पेप्टाइड्स की बात करें, बिकॉज हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी स्पेसिफिक टाइप के पेप्टाइड्स वो सिक्रीट करती है जो अगेन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन। ठीक है, उसके साथ साथ बीटा एंडोडॉर्फिन, एल्फा मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटेनाइजिंग हॉर्मोन, थायोट्रोपिन, ग्रोथ हॉर्मोन,
वैसोप्रेसिव जो आपका वेसो कंस्ट्रक्शन कराता है, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन जिसे हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं ना, तो स्पेसिफिक टाइप के आपके हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और हमारी क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेप्टाइड दैट एक्ट ऑन गट एंड ब्रेन। तो ये वो पेप्टाइड है जो आपके एक्ट करते हैं किसके ऊपर, गट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर, जिसमें आप अलग अलग यहाँ पे पेप्टाइड्स को देखोगे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। यस, नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से बेसिक में यहाँ से और ऐड करना चाहूंगी। देखिए, आपका जो नर्वस सिस्टम है, अगर हम उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक सिंगल सेल जायगोट से बना है। ठीक है, एक डिप्लॉयड टू एन हमारी जायगोट सेल्स होती है जिससे हमारा पूरा बॉडी सिंथेसाइज होता है। हम सभी को पता है कि ब्लास्टुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, जर्म्स लेयर की फॉर्मेशन होती है, उन्हीं जर्म लेयर से हमारा पूरा बॉडी डिफरेंशिएट होता है ना। तो जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि हम कहें कि कौन सी जर्म लेयर से हमारा नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। सो इट इज एक्टोडर्मल इन इट्स ओरिजिन, मतलब कि हमारी जो एक्टोडर्मल सेल्स होती है, जो एक्टोडर्म लेयर होती है, उससे हमारा नर्वस सिस्टम जनरेट हुआ। ठीक है, अगर आप, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, तो देखिए जब आपके जायगोट के अंदर गैस्ट्रुलेशन होता है तो कुछ इस तरीके से आपकी तीन जर्म लेयर्स बनती है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टूड दैट। कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर, जायगोट के अंदर जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे तीन जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। जो अपर जर्म लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टोडर्मल, मिडिल वन इज मेसोडर्मल, एंड थर्ड वन इज एंडोडर्मल। राइट, जब नर्वस सिस्टम की बात होती है तो एक्टोडर्मल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस न्यूरल ट्यूब को हम लोग कहते हैं नर्व कॉर्ड, और इस नर्व कॉर्ड से आपका नर्वस सिस्टम सिंथेसाइज होता है, या कहें कि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपके जो नर्वस सिस्टम है। अब देखिए, जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, एक आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस नर्व कॉर्ड का कौन सा पार्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, कौन सा पार्ट आपके ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो जो आपकी नर्व कॉर्ड है, इसमें ये सपोज ये आपकी नर्व कॉर्ड है, तो इस नर्व कॉर्ड का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा बल्ज होगी कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन करता है। इस पोर्शन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये जो एंटीरियर पोर्शन होता है, इस एंटीरियर पोर्शन के Let me make it here. Yes. कुछ इस तरीके से ब्लजेस बनते हैं, और इन ब्लजेस से आपको बनता है ब्रेन। राइट, यस। अब पता है कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, है ना? हमारा जो ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। राइट, सो ये जो आपके तीन ब्लजेस हैं, इनके केस में क्या होता है कि जो पहला ब्लज होता है ना, जो पहली स्वेलिंग होती है, ये पहली स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं प्रोसेन सिफेलर। राइट, जहां भी सिफेलन वर्ड आ जाए ना, समझ जाना इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, दूसरा जो ब्लज होता है इसे हम लोग कहते हैं मीजन सिफेल। और आपका जो थर्ड वन है इसे हम कहते हैं रोम्बन सिफेलोन। मतलब ये प्रोसन सिफेलोन आपके फोर ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा, मेसेनसेफेलोन मिड ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा,
और जो रोमन सेफालन है इट इज गोइंग टू फॉर्म द हाइंड ब्रेन, राइट। सो इस तरीके से आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आपका जो नर्व कॉर्ड है वो आपका डिफरेंशिएट होता है आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो आप याद रखना कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इट इज एक्टोडर्मल इन इट्स ऑरिजिन, और एक्टोडर्मल के अंदर भी कैसे कि हमारी जो एक्टोडर्म लेयर होती है उसके अंदर एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिसके अंदर आपके कुछ ब्लजेस बनते हैं, उन ब्लजेस से आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट की फॉर्मेशन होती है। सो इस नर्व कॉर्ड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करेगा और जो इंटीरियर पोर्शन है वो ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? ओके, यस, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। यस, सो द नर्वस सिस्टम इज मेनली क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट, मेनली टू पार्ट में होता है। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यही दो मेन पार्ट है जो आपकी नर्व कॉर्ड से सिंथेसाइज होती है, ठीक है। नर्व सेल्स इसमें आपकी मेनली नर्व जितना भी फंक्शनैलिटी होता है, जितना भी फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो नर्व सेल से परफॉर्म करती है। इसलिए हम लोग इसमें तीन पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें से ये पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि आपकी न्यूरोनल सेल्स कैसी होती है, नर्व सेल्स कैसी होती है, किस तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसमिट होती है, वो सारा प्रोसेस हमने समझ लिया है। यानी कि हमने नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है उसको कंप्लीटली यहाँ पे कवर कर लिया, राइट। अब हम लोग कवर करने वाले हैं उसका मेन पोर्शन यानी कि कमांडिंग पोर्शन। तो सबसे पहला हमारा ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन होता है ना, जनरली उसकी पोजीशन आप देखते हो कि वो ब्रेन आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में जनरली ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो हमेशा जो ब्रेन होता है ना वो सेंस ऑर्गन के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इवन अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करती हो तो ह्यूमन बॉडी में हमारी जो सेंसेस होती है, हमारे आई, ईयर, हमारा नोज, हमारी टंग, है ना, चारों सेंसेस हमारे यहाँ है और उसके जस्ट पीछे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ब्रेन की पोजिशन होती है वो होती है हमेशा सेंस ऑर्गन के जस्ट पीछे यानी कि पोस्टीरियर साइड, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब सेंटर में प्रेजेंट होने का और आपके सेंस ऑर्गन के पीछे प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आपका ब्रेन आपकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है तो वो अच्छे वेल मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में कोऑर्डिनेशन कर पाता है ना, हर डायरेक्शन के अंदर इवनली उसकी न्यूरोनल सेल डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमने लास्ट में किया था कि नेटवर्क होता है पूरा, अपना नर्वस सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो इवनली आपकी हर डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो रखा है ना, सो इसलिए ब्रेन आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज हमने कहा कि सेंस ऑर्गन के पीछे, अब सेंस ऑर्गन के पीछे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जितने भी स्ट्यूमुलस हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू ही आने वाले। अगर आपका ब्रेन सेंस ऑर्गन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा तो उतना ही फास्ट वो सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, और जितना फास्ट वो सिग्नल को रिसीव करेगा उतने ही अच्छे से वो रिस्पॉन्स कर पाएगा, राइट। तो ये बात होगी आपकी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की पोजिशन की, ठीक है। सो मेनली हमारी ब्रेन की, सॉरी नॉट ब्रेन, नर्वस सिस्टम की कलेक्टिवली क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट वन इज रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलाई, राइट, चाहे आपका सिग्नल एक्सटर्नली आए चाहे आपका सिग्नल इंटरनली आए। दूसरा इट इंटरप्रेट एंड एनालाइज स्टिमुलस, मेनली इसका काम होता है सिग्नल को इंटरप्रेट करना, एनालाइज कर, फिर उसके बाद है एंड इवोक अ प्रॉपर रिस्पॉन्स बाय एन इफेक्टर, कि पहले रिसीव करेगा सिग्नल को, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एक पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन का स्पेसिफिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रेन की फंक्शनैलिटी को समझते हैं तो देखिए मैं यहाँ से कुछ और यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ। तो हमारा जो ब्रेन होता है, नॉट ब्रेन, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है ना। सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा? जो कमांडिंग होगा, जिसका काम है कमांड देना, और यहाँ पे कमांडिंग कौन है? ब्रेन, ठीक है। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि कमांडिंग होता है तो वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसका काम है सिग्नल को रिसीव करना और रिस्पॉन्स को पहुंचाना, तो वो आपके पेरिफेरल ऑर्गन में प्रेजेंट होगा. क्लियर? यस. सो अभी काम कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका काम है होम्योस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन करके रखना, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट से सिग्नल आए, चाहे सिग्नल आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए. जो भी सिग्नल आएगा उसको इंटरप्रेट करके उसको रिस्पॉन्स करना किसका काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है. क्लियर है? तो आपका अगर अगर आपका सिग्नल आता है इंटरनल एनवायरनमेंट से, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट से सिग्नल आया तो आपके सॉरी नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ. नर्वस सिस्टम दो पार्ट में क्लासिफाइड है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपका ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, है ना. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है जो पेरिफेरी में है ना, अब पेरिफेरी में से कुछ एक आपके नर्व सिग्नल लेके आ रहे होंगे, कुछ एक नर्व हमारे सिग्नल को लेके जा रहे होंगे, है ना. तो जो लेके आ रहे होते हैं उसे हम इफेक्टर कह देते हैं, जो लेके जा रहे होते उसे हम अफेक्टर कह देते हैं. ठीक है, यस. इफेरेंट और एफेरेंट, नॉट इफेक्टर फैक्टर, इफेरेंट और एफेरेंट कह देते हैं, राइट. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हमारा अगेन यहाँ पे डिवाइडेड होता है, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये किस बेस पर होगा, अगर सिग्नल आपका इंटरनल एनवायरमेंट से आया तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. ठीक है, सिग्नल अगर इंटरनल एनवायरमेंट से आया तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, और सिग्नल अगर आया है आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट से तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. ठीक है, सो सिग्नल इंटरनल एनवायरमेंट से आया, सेंसरी न्यूरॉन ने उसको रिसीव किया, ब्रेन तक उसे पहुंचाया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रीट किया, इंटरप्रीट करने के बाद कमांड दी, और कमांड देने के बाद मोटर न्यूरॉन्स उस कमांड को लेके गई, और फिर उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन ने उस फंक्शन को परफॉर्म किया. ठीक है, सेम यहाँ पे होता है. सेम यहाँ कैसे होता है कि आपका जब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कोई स्टिमुलस आता है तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से, उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद कमांड देगा, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पास जाता है, और उसके बाद आपकी इफेक्टर ऑर्गन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मेजर फंक्शन, किस तरीके से आपका, इसी तरीके से आपका जो ब्रेन है वो काम करता है. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम वो किस तरीके से क्लासिफाइड है. सो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंटर में प्रेजेंट है ये हमारा ब्रेन हो गया और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, है ना. तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि ब्रेन को छोड़ के स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितना भी है, चाहे इधर आपका कहीं भी आपका थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो रखा है, ये सारा का सारा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया. क्लियर? सो सेंटर वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आप सभी को पता है कि एक तो ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोनॉमिक और सोमैटिक. ऑटोनॉमिक जो कि कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन से और ग्लैंड से, सोमैटिक इसके साथ कम्युनिकेट करेगा आपके सेंस ऑर्गन से, क्योंकि सेंस ऑर्गन एक्सटर्नल स्टिमुलस लेके आते हैं, और हमारी वॉलंटरी मसल से. क्लियर? इतनी बात आप याद रखोगे. फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिंपैथेटिक. अब देखो इस चीज को आप कैसे याद करोगे, अराउजल के टाइम पे. अराउजल का टाइम मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है आपकी बॉडी को, मतलब फ्लाइट एंड फाइट वाली अगर हम कंडीशन लेके चलते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के लिए अराउजल, जैसे कि एक कंडीशन, आपने गली के अंदर कुत्ता देखा, आपको कुत्ते से डर लगता है, आपने जैसे ही कुत्ता देखा आपकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन का अमाउंट इंक्रीज हो गया, है ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एक अराउजल जनरेट होगा कि मुझे यहाँ से भागना है ना. एक सडन एक ऐसी कंडीशन जनरेट होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम काम करेगा वो कौन सा सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा.
क्यों काम करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको, आप इसको ऐसे याद रखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सिंपैथी देता है। सिंपैथी आपको कब चाहिए होती है, जब आप किसी फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो, आपको कोई फियर होता है, आप नर्वस होते हो, आपको को किसी तरीके को एंजाइटी होती है ना, तो उस टाइम पे आपको सिंपैथी चाहिए होती है। आपको सिंपैथी चाहिए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। जब नॉर्मल कंडीशन है, जब कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो जब आप काम हो, जब आप शांत हो, तब आपको नॉर्मली आपका जब हार्ट काम करेगा, नॉर्मली जब आपका बीट करेगा, तो उस टाइम पे आपका पैरासिंपैथेटिक काम करेगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन होगी बॉडी के अंदर तो पैरासिंपैथेटिक, और जैसे ही अराउजल वाली कंडीशन होती है तो सिंपैथेटिक, ठीक है। तो ऑटोनोमस, सॉरी, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी सिंपैथेटिक डिवीजन है और पैरासिंपैथेटिक। सेम सोमैटिक के अंदर भी हमारी सेंसरी और मोटर दो टाइप की होती है। सेंसरी जो एफरेंट का काम करती है, जो सेंसरी इनपुट लेके आती है, और जो इफरेंट है, जो मोटर न्यूरॉन है, उनका काम होता है सिग्नल को लेके जाना। क्लियर? कि हमने ये बात तो कर ली कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि आइदर हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम लोग मेनली बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारे पास दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं, बिकॉज मेन ऑफ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका तो फंक्शन यही है कि जितने भी स्टिमुलस हैं, सिग्नल्स हैं, उन सभी को लेके आने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। जो भी मोटर कमांड जाएगी उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने का काम भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। इवन इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब वो पैरासिम्पेथेटिकली बिहेव करता है, तो उस टाइम पे किस तरीके से वो काम करेगा कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन, जिसमें हमारे सोमा प्रेजेंट होते हैं, उनका काम सिग्नल लेके आना होता है, और कैसे वो टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है ना। और सिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट है तो उस टाइम पे किस तरीके से टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा, राइट। लेकिन हम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ये मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। तो हम समझते हैं कि कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या कौन से मेजर फंक्शन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो हम फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर किस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा, फिर हम ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आता है हमारा लोअर ब्रेन, दूसरा हमारा होता है हायर ब्रेन। ठीक है, तो हायर ब्रेन के बेस पे और लोअर ब्रेन के बेस पे हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर देते हैं कि ब्रेन का लोअर ब्रेन कौन सा, मतलब ब्रेन का लोअर पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और एक हायर ब्रेन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनैलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, सेकेंड के लोअर ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, थर्ड वन इज के हायर ब्रेन आपका कैसे काम कर रहा है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड लेवल की बात करते हैं, तो मेनली जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, उन सभी को परफॉर्म करने वाला होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बहुत ही सडन, एकदम रैपिड मैनर में होते हैं, और इसकी कमांड हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, इसलिए जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनका रिस्पॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर हमारी जो वॉकिंग मूवमेंट है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस दैट विड्रॉ पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम पेनफुल ऑब्जेक्ट। आपने रिफ्लेक्स एक्शन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, एक डायग्राम आपने देखा होगा बुक के अंदर, जिसमें वो शो करता है कि कैसे एक हॉट बॉडी से जब हमारा हैंड टच होता है, तो हम लोग एकदम सडनली उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं अपने हाथ को। वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आपकी बॉडी काम कर रही है, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन तक कमांड नहीं गई, लेकिन एक पेनफुल ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में आए, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ने एकदम तुरंत से हमारे हाथ को हटाया, हमारे स्केलेटल मसल को कमांड दिया कि यस रिमूव फ्रॉम दैट सरफेस, के आपको वहां से दूर हटना है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये आपके सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या कहा कि रिफ्लेक्स दैट विड्रॉ पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम पेनफुल ऑब्जेक्ट।
इसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में भी दिखाऊंगी ताकि अच्छे से आप समझ पाओ कि रिफ्लेक्स मूवमेंट कैसे आपकी बॉडी के अंदर होती है, उसको डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको कवर करवाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ आप इसका थोड़ा सा फंक्शनैलिटी जस्ट फॉर आइडिया आप इसको याद रखें। इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो आई एम श्योर ये एक एक फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, इसका क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से स्पाइनल कोड इन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और ब्रेन कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अभी आप सिर्फ एक आइडिया रखिए कि यस ये हमारे फंक्शन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, ये हमारे ब्रेन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स इज दैट स्टाइफन द लेग टू सपोर्ट द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। यू कैन सी दैट कि हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सपोर्ट भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही प्रोवाइड होता है। रिफ्लेक्स दैट कंट्रोल लोकल ब्लड वेसल एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट और यूरिनरी एक्सक्रेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं लोअर ब्रेन की। अच्छा अब आपको यही पता होना चाहिए कि लोअर ब्रेन कौन सा है और हमारा हायर ब्रेन कौन सा है। सो यहां से यहाँ पर ही हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारे ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कल दिया था कि ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन इट्स ऑरिजिन, है ना। ब्रेन जो है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इवन जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उस टाइम पे हमने देखा था कि नर्व कॉर्ड के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्वोलन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन। और ये चीज हमने देखी थी कि जो प्रोसेंसेफेलॉन है उससे हमारा फोर ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, मेसेंसेफेलॉन से मिड ब्रेन की फॉर्मेशन होती है और रोम्बेंसेफेलॉन से हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग इसी तरीके से कि जब एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा ना उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट कौन से पार्ट होंगे? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, देन हमारा हाइंड ब्रेन। अब अगर हम इनको भी फर्दर क्लासिफाई करना चाहें ना तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है, हमारे फोर ब्रेन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली। हमारा जो फोर ब्रेन है ये आपका दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, ठीक है, सेकेंड वन इज डायन्सेफेलॉन। फिर इसका फर्दर भी डिवीजन है लेकिन मेनली हम लोग सेरेब्रम और डायन्सेफेलॉन। और डिवीजन भी कुछ नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सेरेब्रम के अंदर हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, बेसल गैंगलिया को पढ़ते हैं, लिम्बिक सिस्टम होता है जिसे हम लोग हमारा इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, और हमारा ऑल्फैक्टरी लोब है, वो सारे के सारे आपके सेरेब्रम में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन कराऊं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, तो देखिए सेरेब्रम के अंदर हम कौन कौन से पार्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया, इसी के अंदर हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब को भी स्टडी करते हैं, देन बेसल गैंग्लिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। जब हम डायन्सेफेलॉन की बात करते हैं तो अगेन हम इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इन तीन पार्ट में हम स्टडी भी करते हैं। फर्स्ट वन होता है थैलेमस, सेकेंड वन इज हाइपोथैलेमस, एंड थर्ड वन इज एपिथैलेमस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायन्सेफेलॉन के पास बहुत सारा थैलेमस है जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, मिड ब्रेन को हम एज अ बॉडी ही स्टडी करते हैं, यानी कि मिड ब्रेन की तरह स्टडी करते हैं। हाइंड ब्रेन की जब बात आती है तो हाइंड ब्रेन के अंदर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जब हाइंड ब्रेन की बात आती है तो मेनली इसमें हमारा क्लासिफिकेशन आता है
इसमें हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन इज सेरेबेलम, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का. देन पॉन्स वेरुलाई, और थर्ड होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा. राइट. अब मैं आपको एक क्लासिफिकेशन किस लिए बता रही हूँ. देखिए, हमने यहाँ पे क्या चीज देखी थी, हम लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन एक्चुअल में डिवाइडेड कितने पार्ट में होता है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन. और ये भी किस बेस पर, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे ही हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, प्रोसन, मीजन और रामबनसफैलन. उसी बेस पर हम इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सबसे बड़ा जो पार्ट है और जिसमें सारे थॉट फंक्शनिंग होते हैं, वो हमारा होता है फोर ब्रेन वाला, जिसके अंदर हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी आता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम और डायनसेफेलन. तो दो पार्ट, सेरेब्रम और डायनसेफेलन से मिलके हमारा फोर ब्रेन बना है. मिड ब्रेन आपका, मिड ब्रेन है मतलब मिड में सिचुएटेड है, इन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ये. इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन हमने नहीं कर रखा. हाइंड ब्रेन के अंदर हम तीन पार्ट पढ़ते हैं. एक तो हमारा सेरेबेलम, जिसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ, सॉरी नॉट ट्री ऑफ लाइफ नहीं कह सकते, इसको हम लाइफ का ट्री कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. देन पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. तो जब हम लोअर ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि हम फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेन के फंक्शनैलिटी को, तो लोअर ब्रेन के अंदर जो पार्ट आता है उसमें हमारा पार्ट आता है हाइंड ब्रेन का, यानी कि सेरेब्लम, पॉन्स फेरुलाई, मिडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये जो सारा पार्ट है. और उसमें मिड ब्रेन के फंक्शन को भी हम समटाइम इंक्लूड कर लेते हैं, ये आता है हमारे लोअर ब्रेन में. और हायर ब्रेन की जब बात करते हैं, तो उसमें हमारा आता है फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द सेरेब्रम एंड द डायनसेफेलन. ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो हाइंड ब्रेन है उसे हम लोग लोअर ब्रेन में इंक्लूड करते हैं कि दिस इज लोअर ब्रेन. और इसी बेस पे हमने फंक्शनैलिटी को भी डिवाइड कर दिया. और जो हमारा फोर ब्रेन है वो हमारा हायर ब्रेन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. तो फर्स्टली लोअर ब्रेन के फंक्शन देखें. तो लोअर ब्रेन कैसे, कौन कौन से फंक्शन आपके परफॉर्म करता है. तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि जब हम लोअर ब्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं. और हाइंड ब्रेन में भी किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पॉन्स वेरुलाई की, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा की और सेरेबेलम की. राइट, हम इनकी बात कर रहे हैं. सो लोअर ब्रेन, जिसे हम लोग सब कॉर्टिकल लेवल भी कहते हैं, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा. सबसे पहला, सबकॉन्शियसली ये कंट्रोल करता है हमारे आर्टेरियल प्रेशर को, हमारे रेस्पिरेशन को. दैट इज अचीव मेनली इन द मेड्यूला एंड पॉन्स, बिकॉज आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपके मेड्यूला के अंदर, जो कि हमारा लोअर ब्रेन है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर है कंट्रोल ऑफ इक्विलिब्रियम, इज अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ द ऑल्डर पोर्शन ऑफ द सेरेबेलम. हमारा जो सेरेबेलम होता है ना, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो आपको याद रखना है कि लोअर ब्रेन के अंदर जो सेरेबेलम है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो सेरेबेलम का काम क्या है कि इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना. ठीक है, थर्ड हमारा फंक्शन है द रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द मेड्यूला पोन्स एंड मेसेनसेफेलन. के कुछ रेटिकुलर सब्सटेंस होते हैं जो आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं. देन फीडिंग रिफ्लेक्सेस, हमारे जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन, लिकिंग ऑफ द लिप, इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड, एंड आर कंट्रोल्ड बाई एरिया इन द मेड्यूला पोन्स मेसेनसेफेलन और आपका हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी फीडिंग रिफ्लेक्सेस है वो हमारा मेड्यूला के अंदर उसके सेंटर प्रेजेंट होते हैं, पोन्स के अंदर उसके सेंटर प्रेजेंट होते हैं. और इसको और भी इजी वे में कहूँ ना, तो जैसे हमारा स्नीजिंग सेंटर भी हमारे मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर होता है, जो सलाइवेशन का सेंटर है वो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर होता है, हमारे लोअर ब्रेन के अंदर ही होते हैं सेंटर. ठीक है, उसके साथ साथ इवन जो हमारा कफिंग सेंटर है वो भी हमारे
हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में होता है, और हमारा वॉमिटिंग सेंटर है वो भी हमारा लोअर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बिसाइड दिस मैनी इमोशनल पैटर्न, वैसे तो जब भी हम किसी भी हमारी फीलिंग्स की इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है हमारा जिन चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना, बट कुछ एक हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जैसे कि हमारा एंगर, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, ये हमारा लोअर ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। नाउ मूविंग टू द फंक्शन ऑफ हायर ब्रेन, कि आपका हायर ब्रेन कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो देखिए हायर ब्रेन यानी कि हमारा फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट वन इज सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। यस, सो इसके अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो हायर ब्रेन जैसे हम लोग कॉर्टिकल लेवल पर भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टिकल लेवल पर ब्रेन की क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज The cerebral cortex is an extremely large memory storehouse. Most of the जितना भी memory का storage होता है वो सारा का सारा brain में cortical level में होता है, यानी कि जितने भी memory होगी आपकी thoughts processing power है ये सारी की सारी आपकी brain के higher region में होती है, यानी कि हमारे cortical level पर ये सारे function perform किए जाते हैं by the central nervous system. नेक्स्ट इज द कॉर्टेक्स नेवर फंक्शन अलोन, कभी भी आपका जो कॉर्टेक्स है वो अकेले फंक्शन नहीं करता, वो हमेशा एसोसिएशन में फंक्शन करता है विद द लोअर सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर विदाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स द फंक्शन ऑफ द लोअर ब्रेन सेंटर्स आर ऑफन इम्प्रिसाइज। आपका लोअर ब्रेन, हालांकि आपका हायर ब्रेन भी आपके लोअर ब्रेन के साथ मिलकर ही काम करता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट मैनर में, दोनों में से कोई भी काम नहीं करता, लोअर ब्रेन को अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए हायर ब्रेन की जरूरत पड़ती है और हायर ब्रेन को अपनी फंक्शनैलिटी के लिए लोअर ब्रेन की जरूरत पड़ती है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, जिसमें ना भी काम हमारे मेमोरी, हमारा थॉट, हमारी रीजनिंग पावर, ये सारी चीजें हमारे हायर ब्रेन के फंक्शन में आते हैं। It is the cortex that opens a world of stored information for use by the mind. कि हमारा जो higher brain ही है जो कि इन सारी नई information को store करने के लिए, उनके assimilation के लिए responsible होता है। Clear? So आपको थोड़ा idea लगा होगा कि हमारा जो brain है और spinal cord level पर central nervous system ने कौन कौन से function को divide किया हुआ है। अब हम लोग वो करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक डिटेल मैनर में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा रीजन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट है। फर्स्टली उसके क्लासिफिकेशन के बाद जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम लोग यहाँ से उसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा कवर कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली हमारा ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही हमारे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ना। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये कौन से एक्टोडर्म कहाँ बनती है, गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे तो तीन जर्म लेयर बनती है और उसी टाइम पे हमारा एक्टोडर्म बनता है, और उसी एक्टोडर्म के अंदर एक नर्व कॉर्ड बनती है, और उसी नर्व कॉर्ड के अंदर जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होगा उससे स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, जो एंटीरियर पोर्शन होगा उससे आपका ब्रेन बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे, मैं आपको डिटेल मैनर में यहाँ पे स्ट्रक्चर कराऊंगी, हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप देखोगे आपके ब्रेन के अंदर एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ओपनिंग होती है, नॉट स्ट्रक्चर, एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है, जैसे हम फोरामन मैग्नम कहते हैं, और उसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है आपके क्रेनियम रीजन के अंदर, और यहाँ से इस तरीके से वो कनेक्टेड होती है आपके ब्रेन के साथ, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हम ब्रेन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमें पता है हमारा सेंटर में प्रेजेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन हमारा ब्रेन, तो अगर हम लोग अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इनकेस उसे कोई डैमेज हो गया तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी ने ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गन की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया हुआ है ना। तो ब्रेन क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती है ना, इवन हमारी ब्रेन की सेल्स जिसे हम लोग न्यूरोनल सेल्स कहते हैं या न्यूरोन्स कहते हैं, इनके पास रीजनरेशन पावर भी नहीं होती,
बहुत ही लेस रीजनरेशन पावर होती है, सिर्फ जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो कुछ एक्सटेंट तक ही डैमेज सेल को रिपेयर कर सकते हैं। अब एक ऐसा रीजन, एक ऐसा टिश्यू जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर उसमें कोई डैमेज आया तो वो कुछ ही हद तक रिपेयर होगा, उसकी सेल्स दोबारा भी नहीं बन सकती। तो ऑब्वियसली बात है, हमें एक ऐसे रीजन को, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी बॉडी को वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो हमारी बॉडी को ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उस टिश्यू को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो वेल प्रोटेक्टेड हो सके, क्योंकि अगर उसे डैमेज हुआ तो पूरी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बाय नेचर हमारा जो ब्रेन है एक क्रेनियल बॉक्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, एक बोनी बॉक्स है हमारा, और इस बोनी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे बोनी बॉक्स कह सकते हैं, क्रेनियल बॉक्स कह सकते हैं, जिसका नाम है क्रेनियम। इन शॉर्ट हमने कहा, अब देखिए हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग उसे अलमीरा के अंदर, लॉकर के अंदर डाल के रखते हैं, या कोई ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें वो वेल प्रोटेक्टेड रह सके, है ना। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी ने किया हुआ है, हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, रिपेयर नहीं हो सकता, जितना भी इसका रिपेयर होना होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही होता है, उसके बाद पूरी लाइफ में हमारा ब्रेन रिपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे इवन जो ब्रेन से रिलेटेड हमारे डिजीज भी होते हैं ना, वो बहुत लेस चांसेस होते हैं कि पर्सन हमारा रिकवर कर पाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि नेग्लिजिबल होते हैं, बट बहुत लेस चांसेस होते हैं। रीजन क्यों होता है, क्योंकि न्यूरोनल सेल वापस से रीजनरेट नहीं कर सकती, इसलिए हमारी नेचर के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो एक क्रेनियल बॉक्स के अंदर, एक बोनी बॉक्स के अंदर स्टोर रहता है, ताकि डैमेज उसे बहुत, उसकी जो डैमेज की हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज है, उसको डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं क्रेनियम, जो एक हमारा बॉनी बॉक्स है, और ये हमारा किसका बना हुआ है, एक स्कल लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन। इसके अंदर आपके जो बोन्स हैं वो आपकी 8 बोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ सूचर्स से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके जॉइंट वाले पोर्शन को हम लोग सूचर्स बोलते हैं। सो यू कैन सी इन दिस इमेज दीज आर सूचर्स, और सूचर्स क्या होते हैं कि इनकी हेल्प से जो बोन है ना एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा टाइटली कनेक्टेड होती है कि इनके बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं होता, और ये बहुत ही टाइट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्कल है, हमारा जो क्रेनियम है, उसमें मेनली 8 बोन्स होती हैं, और वो कौन सी बोन्स है, फर्स्ट इज एक आपकी फ्रंटल बोन होगी, फ्रंटल बोन जो बोन फ्रंट में प्रेजेंट है उसे हमने फ्रंटल बोन कह दिया, दिस इज फ्रंटल बोन। दो पैराइटल बोन होगी, और ये पैराइटल बोन कौन सी है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये हमारी पैराइटल बोन है, क्लियर। दिस वन इज पैराइटल बोन, दो होती है, एक आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी, आपको राइट साइड में दिखेगी। दो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन होती है हमारी, ये हमारी टेम्पोरल बोन है, अगेन ये भी पैर में प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देन वन इज ओसीपोटल बोन, राइट, वन इज इथेमोइड एंड वन स्पिनोइड बोन, ये आपके आगे से भी प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं, एक सेकेंड गाइस, यस। So, हमने क्या कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है ये एक बॉनी बॉक्स के अंदर पैक्ड होता है, और उस बॉनी बॉक्स को बनाने के लिए हमें 8 बोन चाहिए होती है, 8 बोन चाहिए, ठीक है। हमारा बॉनी बॉक्स 8 बोन का बना हुआ है, और ये कौन सी 8 बोन होती है, जो आगे की तरफ प्रेजेंट है उसे हमने फ्रंटल बोन कह दिया, जो हमारे हेड में साइड में हमारे साइड में प्रेजेंट होती है, ईयर की साइड में प्रेजेंट होती है उसे हमने टेम्पोरल बोन कह दिया, उससे ऊपर की साइड प्रेजेंट है वो पैराइटल हो गई, और सबसे पीछे हमारी ओसिपिटल बोन हो गई, ठीक है। उसी के साथ साथ एक इथेमोइड बोन होती है और एक स्फीनोइड बोन होती है। तो हमने कहा कि हमारा जो डब्बा है जिसके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो 8 बोन से बना हुआ है, और कौन कौन सी है, दो एक पैराइटल दो सॉरी एक फ्रंटल दो पैराइटल दो टेम्पोरल एक ऑसिपिटल वन इथेमोइड एंड वन स्फीनोइड, क्लियर। अगर हम लोग हमारे ब्रेन के वेट की बात करते हैं, इट इज 1400 ग्राम,
ठीक है। और ये भी किसमें, एक अडल्ट मैन के अंदर, इवन जो बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही लेस उसका ब्रेन का हम लोग कह सकते हैं वेट होता है, 250 to 350 grams एक बच्चे के अंदर आपका ब्रेन का वेट होता है, लेकिन अडल्ट पर्सन के अंदर इट इज अबाउट 1400 यानी के 1400 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है, जाना ना दिल से दूर।